इलेक्शंस को लेकर पूरे इंडिया में तहलका मचा हुआ है और अपोजिशन रूलिंग स्टेट्स में तो इसकी वजह से और झगड़े देखने को आए दिन मिलते रहते हैं। एक ऐसा ही झगड़ा वेस्ट बंगाल में देखने को मिला टीएमसी और बीजेपी के बीच, जब कोलकाता हाईकोर्ट ने 24,000 टीचर्स अपॉइंटमेंट को रद्द करने का फैसला लिया। जहाँ कोलकाता हाईकोर्ट के इस फैसले से लोगों में खलबली मची है, वहीं दूसरी ओर चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की बेंच एक केस में ये कहने पर मजबूर हो गई कि वेस्ट बंगाल के कुछ इलाकों में इलेक्शन ही नहीं होने चाहिए। जी हाँ, आपने सही सुना। आखिर किस बात से कोलकाता हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच इतनी नाराज हो गई कि वे ये कहने पर मजबूर हो गई और उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल एजेंसीज के काम पर उंगली उठाते हुए क्या कहा है, हम आगे देखेंगे। तो मामले की शुरुआत होती है रामनवमी के दिन हुई बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में वायलेंस से। अब रामनवमी की बात है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद रिलीजन के नाम पर झगड़े हुए होंगे। इस बात को ध्यान में भी रखते हुए कि मुर्शिदाबाद में बंगाल के हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन दैट इज 66.28% पाए जाते हैं और यहाँ की बहरामपुर सीट स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट अधीर रंजन चौधरी द्वारा हेल्ड की गई है 1999 से। इस एरिया में वायलेंस इतना फैल गया था कि इस केस में एक रिट पिटिशन विश्व हिंदू परिषद द्वारा फाइल की गई थी, जिसमें उन्होंने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जांच की मांग की। और वहीं इस केस में एक काउंटर पिटिशन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा भी फाइल किया गया है, जो NIA और CBI दोनों की जांच चाहते हैं। इस केस की सुनवाई के दौरान कोलकाता हाईकोर्ट की बेंच काफी परेशान दिखी कि जब रामनवमी के दिन होने वाले फंक्शन में 8 घंटों में जनता एक पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं बनाकर रख सकती है, तो वे लोग इलेक्शन के समय शांति कैसे बनाकर रख लेंगे। और चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम ये भी कहने पर मजबूर हो गए कि ऐसे लोगों को तो एक रिप्रेजेंटेटिव की भी जरूरत नहीं है, और फटकारते हुए कहा, डिस्पाइट द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बीइंग इन्वोक्ड, इफ टू सेट्स ऑफ पीपल आर फाइटिंग लाइक दिस, देन दे डू नॉट नीड एनी रिप्रेजेंटेटिव बिकॉज द इलेक्शन इज गोइंग टू कॉज अनदर प्रॉब्लम। सिर्फ यही नहीं, चीफ जस्टिस ने कहा भी कि वे इस केस में ECI को रिकमेंड करेंगे कि कोलकाता के इस एरिया में इलेक्शन होने ही नहीं चाहिए, और अपनी नाराजगी जताते हुए कहा, इफ पीपल कांट लिव इन पीस एंड हार्मनी, वी विल काउंटरमैंड द इलेक्शन, वी विल से द इलेक्शन कमीशन शैल नॉट होल्ड पार्लियामेंट्री इलेक्शन इन दिस डिस्ट्रिक्ट। हियरिंग और इंटेंस हो गए जब कोलकाता हाईकोर्ट बेंच को पता चला कि रामनवमी के फंक्शन के दौरान वेस्ट बंगाल स्टेट पुलिस के अलावा सेंट्रल एजेंसीज भी मौजूद थी। जी हाँ, आपने सही सुना। वायलेंस की न्यूज सुनकर जब चीफ जस्टिस ने पूछा कि ऐसे वक्त में स्टेट पुलिस क्या कर रही थी, इफ दिस इज हैपनिंग व्हेन द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज इनफोर्स देन व्हाट इज द स्टेट पुलिस डूइंग, तो स्टेट की ओर से मौजूद सीनियर काउंसिल अमितेश बैनर्जी ने उल्टा सेंट्रल एजेंसीज को इन्वॉल्व किया और कहा कि वे भी वहाँ मौजूद थे। ये सुनकर तो चीफ जस्टिस बड़े हैरान हो गए और सवाल पूछते हुए कहा, दैट इज ट्रू, देन व्हाट वर द सेंट्रल फोर्सेस डूइंग, बोथ कुडंट प्रिवेंट द क्लैश। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से मौजूद असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल अशोक कुमार चक्रवर्ती ने कोर्ट को बताते हुए कहा कि सेंट्रल फोर्सेस वर ऑन पेट्रोल एंड नॉट एंगेज्ड इन कंट्रोलिंग द क्राउड देयर। हालांकि चीफ जस्टिस शिवगनम को ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल पसंद नहीं आया। मामला और इंटेंस हो गया जब वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट की ओर से मौजूद सीनियर काउंसिल अमितेश बैनर्जी ने कोर्ट को समझाने की कोशिश की कि ये पहली बार ही रामनवमी के दिन देखने को मिला है, और इसलिए क्योंकि सम पीपल वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट्स फाउंड टू फ्लैग्स हंग इन द एरिया टॉर्न। लेकिन इस बात से अग्री करते हुए चीफ जस्टिस टी ए शिवगनम नहीं दिखे जब उन्होंने स्टेट किया, लेसन्स आर नेवर लर्न्ड, दिस इज पॉसिबली बिकॉज ऑफ द एंसुइंग इलेक्शन। हियरिंग ने एक दिलचस्प मोड़ भी लिया था जब ये पाया गया कि इस केस में दोनों पार्टीज एक्चुअली एक दूसरे से अग्री करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। जब पार्टीज ने माना कि ऐसी घटना पहली बार ही रामनवमी के दिन देखने को मिली है, तो चीफ जस्टिस टी ए शिवगनम कहने पर मजबूर हो गए, इन कोलकाता ऑल्सो एट एज मेनी एज 33 प्लेसेस आई थिंक सेलिब्रेशंस एंड प्रोसेशंस वर हेल्ड, दैट्स व्हाट द न्यूज़पेपर रिपोर्ट सेड, आई डोंट थिंक एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट हैपेंड। दोनों पार्टीज को ऐसे अग्री करते हुए देख चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम ने स्टेट करते हुए कहा, इन दिस केस वी फाइंड अ पेक्यूलियर फीचर, बोथ द रिट पिटिशनर्स हैव कंटेंडेड दैट इन द पास्ट देयर हैज बीन नो वायलेंस ड्यूरिंग रामनवमी फेस्टिवल एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम सच एन इंसिडेंट हैज अकर्ड। In one petition, there is an allegation that one particular group belonging to a political party instigated the whole problem. The court will consider how the matter is to be proved after the affidavit is filed. Chief Justice T. S. Shivganam इस बात से तो खुशी थे कि दोनों parties एक दूसरे से agree कर रहे थे, पर वे सोचने पर भी मजबूर हो गए कि भला फिर झगड़े किसने लगाए? He stated, "I am happy to see both sides on the same page. In that case, who precipitated the problem? Was it outsiders?" सिर्फ यही नहीं, आपको बता दे कि कोलकाता के कई जगहों पर सेक्शन 144 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर लागू हो गया था अप्रैल 13 से लेकर अप्रैल 16 के बीच तक, और ये बात काउंसिल फॉर द स्टेट अमितेश बैनर्जी ने बेंच को बताई। जब उन्होंने ये भी बताया कि ये मामला बहुत ही ट्राइबल इशू से जुड़ा है, तो चीफ जस्टिस शिवगनम ने रिएक्ट करते हुए कहा, एज आई वॉज टोल्ड द वायलेंस टुक प्लेस फ्रॉम ट्राइबल इंसिडेंट्स, इवन फॉर अ फायर क्रैकर यू लाइट अ स्मॉल मैच स्टिक बट द एक्सप्लोजन इज बिग,
सो इफ दिस इज प्री प्लान्ड समथिंग इज गोइंग टू हैपन। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने उन इलाकों में रहने वाले लोगों के कॉन्शियस में पड़ने वाले इफेक्ट पर भी बात की जो इन इंसिडेंट्स की वजह से ट्रिगर हो जाती है, और इसके बारे में ही स्टेटेड, टिल यस्टरडे आई एम ऑल क्वाइट एंड हैव नथिंग टू डू, टुमारो इज राम नवमी, सो सडनली लॉर्ड राम गेट्स इनटू मी, वंस आई एग्जिबिट इट समवन सेज नो एंड एग्जिबिट समथिंग एल्स एंड देन समथिंग एल्स गेट्स इनटू मी एंड अ फियर्स फाइट फॉलोज। सिर्फ यही नहीं, चीफ जस्टिस ने इसमें ऐड करते हुए भी कहा, दिस इंसिडेंट विल बी बॉइलिंग, अल्टीमेटली नोबडी विल केयर फॉर द इंजर्ड, नोबडी विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दिस विल कंटिन्यू टिल नेक्स्ट राम नवमी। आपको बता दें कि कोलकाता हाईकोर्ट बेंच को बताया गया था कि इस केस में पहला इंसिडेंट टुक प्लेस एट काम नगर अंडर बिल्तांगा पुलिस स्टेशन ऑन अप्रैल 13 एंड द सेकेंड वन एट शक्तिपुर ऑन अप्रैल 17। जब बेंच ने पूछा कि और भी मामले इससे जुड़े हैं, तो वीएचपी के काउंसिल ने बेंच को बताते हुए कहा कि वायलेंस टुक प्लेस इन 4 पुलिस स्टेशन एरियाज ऑन अप्रैल 12, 13 एंड 17। इस केस में कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थोड़े परेशान भी दिखे कि भला कौन किसकी साइड लेगा। ही स्टेटेड, अ केस एंड अ काउंटर केस, वी हैव हर्ड क्रिमिनल केसेस, हियर वी हैव वन केस फॉर PIL एंड अ काउंटर केस फॉर PIL, एंड विच वन इज द स्टेट गवर्नमेंट गोइंग टू सपोर्ट, विच वन विल द सेंट्रल फोर्सेस डिपार्टमेंट सपोर्ट, वी डोंट नो एंड प्रोबेबली वी हैव टू गो आउटसाइड द स्टेट टू फाइंड द ट्रुथ। हियरिंग के दौरान स्टेट काउंसिल अमितेश बैनर्जी ने कोलकाता हाईकोर्ट बेंच को बताया भी कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस से उठाकर ये मामला अब CID को ट्रांसफर कर दिया गया है, जो इस मामले की अब जांच करने वाली है। भले हियरिंग के दौरान बेंच ने कहा था कि वे इस मामले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिकमेंडेशन देंगे और इस एरिया में इलेक्शंस नहीं करवाएंगे और उसे डिफर कर देंगे, उन्होंने ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं किया है, और इन द रिटन ऑर्डर इट सेड दैट इट वुड कंसीडर हाउ द मैटर इज टू बी प्रोब्ड आफ्टर एन एफिडेविट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशंस इनटू द इंसिडेंट्स इज फाइल्ड बाय द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। इट आस्क्ड द स्टेट टू फाइल द रिस्पांस बाय अप्रैल 26, द नेक्स्ट डेट ऑफ द हियरिंग, जिसके साथ ही ये मसला खत्म हुआ। आपको बता दें कि इलेक्शंस की वजह से पूरे देश में कहीं ना कहीं झगड़े और दंगे फसाद की स्थिति बनी हुई है, और यहाँ तक कि इसमें अब रिलीजन भी घुस चुका है। लेकिन अगर इस केस में पिटिशनर की बात माने और ये छोटी सी लड़ाई है और उतनी बड़ी बात नहीं, तो उम्मीद है कि ये मामला जल्दी सुलझ जाएगा। पर ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि BJP और TMC के खूब झगड़े वेस्ट बंगाल में देखने को मिल रहे हैं। एक झगड़ा तो इस वजह से भी हो रहा है क्योंकि कोलकाता हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में वेस्ट बंगाल सरकार को झटका देते हुए 2016 के टीचर्स अपॉइंटमेंट को रद्द कर दिया है। जहां BJP इस फैसले से खुश दिख रही है, वहीं TMC काफी दुखी भी, और बिना देरी किए अब वेस्ट बंगाल सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली भी फाइल कर दी है। तो अब वक्त ही बताएगा कि क्या ये लड़ाइयां थमेंगी या नहीं। टिल देन, कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।